तो रांची में क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। अलग अलग चर्च को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। इस वक्त जी मीडिया संवाददाता कामरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, इस वक्त कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? कितना उत्साह है लोगों में? कैसी सजावट की गई है? स्वर्गीय विक्टोरिया राजेश, बिल्कुल, सबसे पहले आपको और हमारे तमाम दर्शकों को क्रिसमस के मौके पर मैरी क्रिसमस। हम अभी पुरलिया रोड स्थित चर्च में मौजूद हैं, जहां पर तस्वीरें सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो प्रभु यीशु के जन्म दिवस को किस तरीके से मना रहे हैं। लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार मीसा का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। अगर बात करें चर्च के अंदर, तो विशेष तरह की प्रार्थना यहाँ पर आयोजित की गई है। वहीं लगातार प्रार्थना का जो सिलसिला है वो चल रहा है। और इसी बीच यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं, प्रभु यीशु के सामने आराधना कर रहे हैं, प्रभु यीशु से अपनी मांगों को कर रहे हैं। तो साफ तौर पर कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर लगातार जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। पहुंच रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज क्रिसमस है, किस तरीके से आप क्रिसमस को मना रही हैं? बहुत खास है ये क्रिसमस, और चर्च में आके सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ प्रेयर होता है, सबको यहाँ पर आकर खुशियाँ मनाते हैं, सेलिब्रेशन क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, चर्च में आकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, इस बार का क्रिसमस कितना खास और क्या किस तरीके से, क्योंकि आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं पूरी फैमिली के साथ? आया हूँ, मैरी क्रिसमस, हैप्पी मैरी क्रिसमस दोस्तों। मैरी क्रिसमस का संदेश देते हुए तमाम जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। और हम एक तस्वीर दिखाएंगे राजेश, क्योंकि अंदर चर्च के अंदर जो मीसा है, विशेष प्रार्थना है, इस प्रार्थना का जो ये सिलसिला है वो लगातार जारी है। और अभी ये तीसरी मीसा है जो यहाँ पर आयोजित की गई है चर्च के अंदर, और लोग प्रार्थना में लीन है। और जिस तरीके से कल रात प्रभु यीशु का जन्म हुआ था उसको काफी हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर लोगों ने मनाया। और अब देखिए जो यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, प्रभु यीशु की आराधना कर रहे हैं, यहाँ पर तस्वीरों को अपने मोबाइल पर कैद कर रहे हैं। सीधे उनसे जानते हैं इस बार का क्रिसमस कितना खास और किस तरीके से आप लोग इंजॉय करें। इस बार तो काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले नहीं कर पाते थे, लाइक कोविड था तो उस टाइम नहीं कर पाते थे, बट इस टाइम अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर पा रहे, फ्रेंड्स के साथ बाहर आ पा रहे। इस बार बहुत एंजॉय करके कर रहे हैं क्रिसमस में। इस बार मेरा फर्स्ट डे है एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा ही एंजॉय लग रहा है। इस तरह का कहीं और मैंने एंजॉय नहीं किया, बहुत मजा आ रहा है। प्रभु यीशु के जो संदेश है, बहुत ज़रूरत है। ऐसे तो पहली बार आया है पर बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम भी आया तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा शांति है, पीस बहुत है यहाँ। प्रभु यीशु एक शांति का संदेश देते हैं, उन्होंने संदेश दिया है, उपदेश दिया है, उसे कितना फॉलो करने की ज़रूरत है और कितना प्रासंगिक है? अधिकतर लोगों को बहुत ज़्यादा फॉलो करने का ज़रूरत है, क्योंकि लोग पूजा करते हैं, जैसे हम लोग क्रिश्चियन नहीं है उसके बावजूद हम लोग देखते हैं, हर चीज़ को समझते हैं कि हाँ लोग अलग अलग जात जैसे लोग परफॉर्म करता है, अच्छा है ये चीज़ बहुत ज़्यादा, तो करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, देखिए यही खास है क्रिसमस के इस पर्व की, कि जो क्रिश्चियंस नहीं है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और क्रिसमस को आप लोग अगर बात करना चाहें, क्रिसमस का आज खास मौका है, प्रभु यीशु का जन्म, आप लोग किस तरीके से मना रही है यहाँ पर? ना देख कर हमने उनकी मदद नहीं की, प्रार्थना की, सेवा नहीं किया, उनकी भलाई नहीं की, सब कोई खुश रहे और ये जो प्रॉब्लम तारक हो रहा है ये जल्दी से खत्म हो जाए। बताओ, क्योंकि प्रभु यीशु ने जितने भी रास्ते पर चलने के लिए हमें जो रास्ता दिखाया है उसमें चलना कितना जरूरी है, और प्रभु यीशु ने जो शांति का संदेश दिया था वो किस तरीके से कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है शांति से रहना, बहुत अच्छे ये प्रभु यीशु ने बहुत अच्छे मार्गदर्शन दिए हैं, उनके हिसाब से हम लोगों को बहुत अच्छे से रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, हाँ फॉलो करना चाहिए। राजेश, एक बार फिर से हम इस चर्च की तस्वीर दिखाएंगे, सबसे पहले अंदर की चर्च की तस्वीर, क्योंकि विशेष प्रार्थना का जो आयोजन किया गया है उसका सिलसिला जारी है और भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि हर थोड़े वक्त के बाद, हर थोड़े अंतराल के बाद विशेष प्रार्थना आयोजित की जा रही है। और ये तीसरी मीसा सभा है जहाँ पर तमाम समुदाय के जो लोग हैं वो भी शामिल हुए हैं, और यही खास। जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि राजधानी रांची पूरी तरीके से क्रिसमस के रंग में रंगी नजर आ रही है। बिल्कुल कामरान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।